हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। हम शाम को कुछ खाने के लिए निकले थे, जिस रेस्टोरेंट पर गए वो रेस्टोरेंट बंद था। फिर हमने कहा चलो घर पे चलते हैं। फिर हमें रास्ते में ये रथ दिखाई दिया गाइस, और हमने कहा चलो ठीक है, भूख भी लग रही है, कुछ खा लिया जाता है। देखा तो ये निर्मल होटल था। हमने कहा वाओ, दो दिन पहले ही तो हम इधर शादी में आए थे, लेकिन अभी तो हमें कहीं से इन्विटेशन नहीं मिला है। भूख लग रही है बहुत तेज़ी की। ठीक है, बिन बुलाए बराती की तरह हमने कहा बेहिचक अंदर चलते हैं। बारात आ भी नहीं पाई थी, पीछे था रथ बहुत। हमने लगाई गाड़ी पार्किंग में और देखिए कितना सुंदर लग रहा है, इसकी डेकोरेशन भी प्यारी लग रही है। और पता है, बेहिचक जा रहे थे हम लोग अंदर, कोई एजिटेशन नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए यार, कोई पूछेगा तो बता देंगे, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है, इतने बड़े इशू नहीं है। डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी और अनु जो है फ़ोटो क्लिक करा रही थी, सुजल फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा मैं भी एक आध फ़ोटो क्लिक करा लेती हूँ। मैंने फ़ोटो क्लिक कराया, वाओ डेकोरेशन तो माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। लेकिन यार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, मज़ा आता है ऐसा कुछ करने में, कुछ अजीब सा ना। ये बिन बुलाए फर्स्ट टाइम है मेरे साथ ऐसा, हम सब लोगों के साथ जो हम इस तरीके से शादी में गए थे। और ये देखो सुजल आगे जा रहे हैं, और हमने कहा चलो ठीक है। इसकी जो एंट्री था ना वो बहुत सुंदर था, गेट बना रखा है ये। और जब हमने यहाँ वहाँ देखा ना गाइस, तो हमें ज़्यादा भीड़ तो लग नहीं रही थी क्योंकि बारात आई नहीं थी अभी। और फिर हमने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या है। तो सबसे पहले हमने पी ये ड्रिंक, और इस तरह देखते हैं कौन कौन सी ड्रिंक है। ये है ग्रीन मिंट, मैंने ग्रीन मिंट ली थी, और ये है मोजिटो। मोजिटो अनु ने पी थी और सुजल ने पी थी, और मैंने ली थी ग्रीन मिंट। और अच्छा लग रहा है ना ये स्टॉल, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं, मन खुश हो गया इसको देख के भी। और ये इधर भी बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल थे। उसके बाद मैंने ली वेज बिरयानी, माय फेवरेट, और मैंने ये खाई थोड़ी। उसके बाद सुजल देखो ये पास्ता खा रहा था, और लग नहीं रहा था यार हम बिन बुलाए बराती हैं गाइस। अन्नू खा रही थी चाउमीन, और जारा भी कुछ खा रही थी। फिर हमने कहा, फिर मैंने ये ली कीवी, देखो कितनी सारी हैं। फ्रूट चाट लेने के बाद मैंने ये खाया, और हम लोगों ने ये खा लिया तो उसके बाद अब ऐसा कुछ भूख लग नहीं रही थी गाइस। तो फिर हमने बस यही चटर पटर खाया, और खाने के बाद हमने खाना नहीं खाया था। गाइस थोड़ा बहुत खाने के बाद हम लोग यहाँ घूमे, हमने देखा थोड़ा ये डेकोरेशन बहुत प्यारी है, और उसके बाद आगे गए तो दुल्हन की एंट्री हो चुकी है, और दुल्हन बहुत ही सुंदर लग रही हैं, और उनका वेलकम भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। और दुल्हन आगे बढ़ी रही थी कि थोड़ी देर के बाद स्टेज पर पहुँच गए हैं। स्टेज पर स्लो स्लो चल रही थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था वहाँ पर, और फीलिंग अच्छी आ रही थी यार। दुल्हन को जब भी मैं देखती हूँ ना, तो पूछो मत क्या होता है, फिलहाल तो कोई बात नहीं। फिर हमने कहा चलो आगे बढ़ते हैं, देखा तो ये तीन जोकर खड़े हुए थे मजाक कर रही हूँ। फिर हमने कहा चलो ठीक है और आगे देखते हैं। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। डेकोरेशन देखिए बहुत अच्छी है, ऐसे ही और व्लॉग आते रहेंगे गाइज। और आपको किस तरीके का मेरा व्लॉग देखना पसंद है बताइएगा ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में। यार कमेंट्स करा करो, क्या पसंद है आपको, क्या नहीं भी पसंद है वो भी बताएगा। तब तक के लिए बाय बाय।